ओके थैंक यू हैप्पी होली हैप्पी होली सर हैप्पी होली हाय गाइस हैप्पी होली ये आज ये लग रहा है ना मुंह में चला गया कलर और पूरा गंदा करके गए हैं ये लोग ये देखो मेरा घर का क्या हाल हो गया फिर से करना पड़ेगा साफ और कोई ने भी होली नहीं खेली थी बट किसी ने भी होली नहीं खेली थी बट मैं सोच रही थी आज तो होली नहीं खेलने वाली ये लोग आए वो पूरा गंदा करके चले गए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी होली शो देखो दोबारा से नहाना पड़ा और नहाने के बाद बालों की हो गई है थोड़ी सी ख़राब कंडीशन क्योंकि कलर गिर जाता है ना बालों पे तो फिर वो थोड़ा सा अजीब अजीब से होने लग जाते हैं थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा है मुझे तो अब इसकी मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी थोड़ी एक आध बार कुछ इसमें हेयर पैक लगाना पड़ेगा तभी जाके सही होंगे क्योंकि कोई भी कलर हो अगर बालों पे पड़ जाए तो वो ख़राब ही होना होना है तो बाल तो सूख गए हैं जस्ट के जस्ट नहा लिया था थोड़े टाइम में थोड़ा फोटो वोटो निकाल के तो थोड़ी सी होली खिल जाती है ना तो अच्छा लगता है मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा अकेले अकेले फिर बोर हो जाते हैं कि लो त्योहार था और कोई भी कलर रंग नहीं लगाया है तो अच्छा लगा मुझे और मैं अभी फ़िलहाल में देखो क्या कर रही थी इस एक कंटेनर का DIY कर रही थी इसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा दी हैं और अभी इसको कंप्लीट करना है कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर इस तरह की वीडियो आप भी पसंद करते हैं तो दूसरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ DIY हैक्स टिप्स ट्रिक्स ये सारी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करती हूँ माय हैक्स चैनल का नाम है माय हैक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लेना एक बार ट्राई ज़रूर करना देख कर कि कैसे वीडियोज़ हैं वहाँ पर अगर पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो अभी दिता शो रही है तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ बना ले खाना खाने को ये देखो रूम की लाइट क्योंकि ऑफ कर रखी है और अभी उसको भूख लगेगी जागते ही तो कुछ बनाना ही पड़ेगा और फिर सूट चेंज करने के बाद मैंने सिंपल ही कपड़े पहन लिए लोअर टी शर्ट क्योंकि फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे वहाँ पर अब नहा धो के दोबारा से नहाना पड़ा तो अभी किचन का काम भी करना है और थोड़े बर्तन भी हो गए हैं वो लेंगे और क्या बनाएंगे दिखता के लिए सोचेंगे थोड़ी सी सिमई रखी है वो रोस्टेड वाली तो वो देखते हैं वो बनाते हैं और किचन में पैर ऐसे ज़्यादा बन गए हैं किसी के नहीं बने सिर्फ पति देव के ही बने हैं क्योंकि वो पानी में चले गए थे और फिर पूरे में दाग ही दाग छोड़ दिए हैं अब वो बट बाद में कर लेंगे वो सब। अच्छा ये किचन में ही मैं दित्या का पेस्ट भी रखे रहती हूँ क्योंकि वो नॉर्मली पेस्ट करती नहीं है तो मैं किचन में जब रहती है तो उसको इस वाले ब्रश से करवा देती हूँ ये वाला जो ब्रश बच्चों वाला ही ब्रश होता है इससे मैं खुद कर देती हूँ और ये पेस्ट भी कॉलगेट का है 3 to 5 years का बालों मतलब 3 to 5 years वाले बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं बट अभी वो 2 साल की उससे छोटा मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने वो ले लिया तो बच्चों वाला ही कॉलगेट लिया है और बच्चों वाला ही ब्रश क्योंकि उसे नॉर्मल ब्रश दो तो वो करती नहीं है नॉर्मल ब्रश देते भी हैं बट वो करती नहीं है तो मैं फिर एंड में इससे करवा देती हूँ क्योंकि उसके दांत थोड़े से ख़राब हो रहे हैं पता नहीं यहाँ मसूड़े पर ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है तो फिर करवाना पड़ता है तो ये पेस्ट अच्छा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है तो कर लेती है थोड़ा सा रोती है क्योंकि मैं ज़बरदस्ती घिसती हूँ उसके दांत कुछ ना कुछ खा लेती है मीठा ईठा तो ज़रूरी पड़ जाता है घिसना ये वाली जो सेवई आती है ना तो एक नॉर्मल आती है विदाउट रोस्टेड एक आती है रोस्टेड तो मैं रोस्टेड ही ले आती हूँ क्योंकि फिर रोस्ट करो ना तो उसमें टेस्ट अलग आ जाता है ये वाली बनाओ तो ये बढ़िया लगती है अच्छे लगते हैं खाने में तो मैं रोस्टेड ही लेकर आ जाती हूँ कि वो रोस्टेड दोबारा से ना करनी पड़े
ये छोटा सा बैलून भी लिया था, फट रहे हैं। भर गया, इतने क्यूट लगते हैं ना ये, बहुत मुझे ना बढ़िया क्यूट लगते हैं। देखो कितने प्यारे, पहले से ये कलरफुल कर लो तो कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये ऐसे ही फुला के दे देंगे कुत्ते, तो ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। ये पानी वाला तो बहुत ही क्यूट। आप जल्दी से कर लूँ बेजी स्कर्ट उसके लिए और सेवई बनाने के लिए, जबे कहते हैं उसको, मैं तो सेवई ही बोलती हूँ, काफ़ी लोग जबे बोलते हैं। तो बस उसमें सिंपल सी सब्जी डालती हूँ, आलू, क्योंकि आलू फिर फ्राई हो जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं खाने में उसके साथ, तो मैं आलू तो ज़रूर डालती हूँ इन सब चीज़ों में। साबूदाना खिचड़ी हुई, ये खिचड़ियाँ हुई, और ये इस टाइप की चीज़ें हुई ना फ्राई करके बनाई जाती हैं, उसमें आलू तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ क्योंकि वो खा लेती है तो, और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से बना लूँगी इसके लिए खाने को, क्योंकि अब वो आ ही जाएगी। मैं किचन में आती हूँ, उसको पता लग जाता है, सो के जागती है और सीधा आती है किचन में। लेके और इसमें डाल दिया है प्याज, आलू और मटर, क्योंकि ये प्याज के साथ ही मटर आलू फ्राई हो जाएंगे जल्दी से, तो टाइम भी नहीं लगेगा, वरना प्याज जल जाता है। तो ऐसे डाल दो तो तीनों साथ में ही फ्राई हो जाते हैं। और हल्का सा नमक और हल्दी, मतलब स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल दिए, और ये होगी फ्राई। और ये भी देखो आ गई है। बोल दो क्या हो गया, ऐसे देखना शर्म आ गई। मोबाइल नहीं देखना, चलो कोई बात नहीं। और सब्जियाँ पक गई तो इसमें डाल दी सेवई, हल्का सा इसको भी फ्राई कर देंगे और डाल देंगे पानी, जितनी सेवई डाली है उससे डबल पानी डाल देंगे तो ये बॉयल हो जाएंगे अच्छे से और एकदम से अलग अलग सी हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचा, एक मेरे पास ये टीन का कंटेनर पड़ा था जिसमें रसगुल्ला वगैरह आते, तो इसको मैंने पेंट किया था, बट ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा इसको दोबारा से कुछ किया जाए। तो मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक ली है और उनको चिपका रहे हैं, तो पूरे कंटेनर पे वो आइसक्रीम स्टिक चिपका देंगे, उसके बाद करेंगे इसको कलर। और इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राई हो जाए तो एक इलास्टिक भी लगा दिए ताकि ये निकले ना कोई भी। और उसके बाद कर लिया है पेंट, और ये छोटे मोटे काम थोड़ा टाइम निकाल के मैं करती ही रहती हूँ। इसमें पहले भी प्लांट लगाए थे बट मुझे ऊपर से वो कंटेनर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए दोबारा से उसको कलर किया हुआ है। और इसमें एक स्टिकर टाइप का बनाने के लिए एक, क्योंकि इसमें कोई कोटेशन डालनी है, तो मैंने वाइट कलर से पेंट दे दिया है ताकि वो हाईलाइट हो थोड़ा सा, एंड उसमें लिख देंगे एक कोटेशन, जो भी पसंद हो, जो भी अच्छी लगे उसमें लिख देंगे। मैंने पहले सोचा ऑरेंज कलर से लिखें, बट ऑरेंज कलर इतना हाईलाइट ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको रेड कलर से लिखा हुआ है। रेड कलर ठीक भी लग रहा था, उसके ऊपर हाईलाइट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो थोड़ा सा हाईलाइट हो तो अच्छा लगता है।
और बना दिए छोटे छोटे से फ्लावर्स, कोई भी, क्योंकि कोई भी ऐसे प्लांट बनाने में थोड़े थोड़े से चीज़ें ऐड कर दो तो थोड़ा सा और अच्छी लगती हैं। तो ये हो गया कंप्लीट और थोड़ा ड्राई हो गया, उसके बाद बॉर्निस कर देंगे। बट मुझसे क्या गलती हुई, एकदम से जो लेटर्स थे ना वो एकदम से ड्राई नहीं हुए थे, जो फ्लावर और लेटर्स थे, और बाकी का तो अच्छा ड्राई हो गया था, तो थोड़ा सा वो हल्का सा गंदा हो गया है। बट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि अब वो दोबारा से पूरा करना पड़ेगा। तो ये देखो प्लांट बनकर रेडी है, हल्के से येलो कलर से फुल का डॉट्स बना दिए थे ताकि खाली खाली ना लगे, और बहुत प्यारा लग रहा है। हल्का सा बस थोड़े से कलर उसमें फैल गया है, और एक सकुलेंट लगा दिया है जो बहुत बड़ा सा था और इसमें अच्छे से आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।